केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे गुरुग्राम। एनएसडी के कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। 19वें नेशनल बम डेटा सेमिनार का उन्होंने उद्घाटन किया। 2 दिन तक ये सेमिनार चलेगा, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा विदेशी अफसर भी शिरकत कर रहे हैं। साफ तौर पर ये एक सेमिनार है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे हैं और कई सारे मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई, कई सारी बातें हुई, क्योंकि एनएसजी का कार्यक्रम है। 19वें नेशनल बम डेटा सेमिनार का ये यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ और 2 दिन तक ये सेमिनार चलेगा। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सेमिनार में जिस तरह से अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी और कैसे जो है बॉर्डर पर किस तरह से तैनाती होगी, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना है, विदेशों से जो लोग आए हैं, अफसर आए हैं, उनसे भी इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ नया हम अख्तियार कर सकते हैं, क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। इस सेमिनार के दरमियान वो इस चर्चा का विषय साफ तौर पर यही रहेगा। एनर्जी कार्यक्रम में विदेशी भी शिरकत कर रहे हैं, विदेशी अफसर हैं, जो जिनसे राज्यों की गुणवत्ता के बारे में किस तरह से चीजों को संभालते हुए आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा इस सेमिनार में की जाएगी। तो 2 दिन तक ये सेमिनार चलेगा, जिसमें कई सारे अहम बातों पर चर्चा भी की जाएगी और विदेशी अफसरों का साफ तौर पर सम्मिलित होना इस बात का निर्धारण करेगा कि कैसे जो है सीमा पर सुरक्षा बलों की क्या तैनाती रही, कैसे क्या कुछ हम नया अख्तियार कर सकते हैं। गुलशन ग्रोवर संवाददाता इस खबर में जुड़ चुके हैं। गुलशन, कितना अहम रहने वाला है यह सेमिनार जो 2 दिन तक चलेगा? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी आज एक एनएसजी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर 19वां नेशनल बम डाटा सेमिनार की यहां पर आज शुरुआत की गई है, जो कि 2 दिन तक ये सेमिनार चलेगा और इस सेमिनार के अंदर जो भी अत्याधुनिक बम है उनके बारे में अहम रूप से यहाँ पर जानकारी दी जाएंगी और इसके साथ साथ यहाँ पर इस सेमिनार में 10 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, जिसमें यूके, नेपाल, इजराइल, थाईलैंड एंड अन्य देश और भी शामिल हैं। लगभग 10 देश हैं जिसमें इनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए पूरे देश के एक्सपर्ट को मिलजुल कर काम करना चाहिए।